नमस्कार, मैं हूं अमरीश कुमार। आज मैं ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आपके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। ये टॉपिक आपके जनरल स्टडीज़ का पेपर जो 2 है मेंस एग्जामिनेशन के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए, साथ साथ में आपका जो राजनीति विज्ञान है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसे विषयों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ साथ में इसके जो कुछ फैक्ट्स हैं ये आपके प्रीलिम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं और इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। तो मैं सभी पक्षों को रखने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस है, राइट, उसकी क्यों न्यूज़ है, क्या किस बारे में चर्चा में है ये, पहली बात तो ये रखूंगा। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को इस्टाब्लिश करने के पीछे कारण क्या है, और फिर मैं बताऊँगा कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जो हैं, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा है, उसका क्या इतिहास रहा है, मतलब पहले पहले कब रिकमेंडेशन पहले की गई हैं और उसके बाद जो है न्यायपालिका का रुख क्या रहा है, क्या उनका दृष्टिकोण रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमिशंस क्या है, संवैधानिक आयाम क्या है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बेनिफिट्स क्या हैं, उसके क्या लाभ होंगे, और व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा से रिलेटेड कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और आगे की राह क्या है, और मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की मैं बात कर रहा हूं, इसमें जिस तरीके से आज यूपीएससी का एग्जामिनेशन होता है, आईएएस और आईपीएस और आईएफएस का, फॉरेस्ट सर्विस का, जो कि एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है, और इस सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस में यूपीएससी इस एग्जाम्स को कंडक्ट करता है, और उसके बाद जो है आईएएस आईपीएस को कैडर मिलता है और वो डिफरेंट जो है स्टेट्स में अपनी सेवाएं या अपनी सर्विसेज देते हैं, उनको कैडर एलोकेट किया जाता है, और ये एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसी की तर्ज पे सरकार ये विचार कर रही है, प्लान कर रही है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज या अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना भी की जाए, उसको भी इस्टाब्लिश किया जाए। उसी के हिसाब से जो है, जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम्स आईएएस आईपीएस के लिए होता है, उसी हिसाब से। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात चल रही है, ये डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, जिनको हम जिला न्यायाधीश कहते हैं, और साथ ही साथ जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेज हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए जो है ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात चल रही है, जिसका प्लान है कि यूपीएससी एग्जाम्स कंडक्ट करेगा और जो है कैडर एलोकेट करेगा। अब सरकार ऐसा क्यों कर रही है, मतलब ऐसा प्लान क्यों है, ये जो कह सकते हैं कि पाइपलाइन में है, राइट, इस पर विचार किया जा रहा है, प्रपोजल में है, तो ऐसा क्यों है? तो जैसे कि आपको पता होगा कि अभी जो इंडियन जुडिशरी, उस इंडियन जुडिशरी में अभी इस समय अगर आप देखेंगे तो हमारे जो डिलीवरी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है जो हमारा ओवरऑल, उसको स्ट्रेंथन करना है, उसको मजबूत करना है, न्यायिक प्रक्रिया को। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, राइट, उसके जो कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, संरचनात्मक मुद्दे हैं, उन मुद्दों को एड्रेस करना है, तो ये उसका एक सबसे बड़ा कारण है। मैं आपको बताता चलूँ कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या होते हैं। तो इन ईच स्टेट्स देयर इज अ सिस्टम ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बिलो द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे जो कोर्ट्स होते हैं उन्हें हम अधीनस्थ न्यायालय या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मतलब कहते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके पीछे क्या कारण है, कारण क्या है कि जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज है वो लाई जा रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक जुडिशियल रिफॉर्म है, ये हमारे जो केसेस हैं उनकी पेंडेंसी काफ़ी चल रही है, मुकदमे बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको कहीं ना कहीं जो है जल्दी से जल्दी उनको निपटाना है। तो ये सब जो कारण हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इस कारण से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात अभी चर्चा में है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात सबसे पहले कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई। तो 14th जो रिपोर्ट है लॉ कमीशन की, विधि आयोग की, जो कि 1958 में आई, इस 1958 की 14th लॉ कमीशन की रिपोर्ट में ऑल इंडिया सर्विसेज का जो विचार है, आइडिया है, वो आया। उसके बाद ऐसी ही रिकमेंडेशन, ऐसी ही सिफारिशें विधि आयोग या लॉ कमीशन की तरफ से 1978 में और 1986 में जो है वो रिकमेंड की गई। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक जो कॉन्फ्रेंस है, जो कि सम्मेलन है मुख्य न्यायाधीश
का जो सम्मेलन होता है जो कि 1961 में हुआ, फिर 1963 में हुआ, फिर 1965 में हुआ, इसमें भी ये संकल्पना जो है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा या ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को इस्टाब्लिश किया जाए, इसको फेवर किया गया, इसका समर्थन किया गया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 312 जो है, जो कि जिसमें अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का जो प्रावधान है, प्रोविजन है, ये 1976 में किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो ये प्रोविजन जो मैंने आपको बताया आर्टिकल 312 जो है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2006 में पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी है ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है, लॉ एंड जस्टिस, इसकी जो 15th रिपोर्ट थी, 15वीं रिपोर्ट थी, इसमें भी एक पैन इंडिया राइट जुडिशियल एग्जाम होना चाहिए जुडिशरी के लिए, ऐसा रिकमेंड किया गया। तो क्योंकि कहीं ना कहीं जो है सरकार इनका कह सकते हैं कि इसके बारे में सोच रही है। 2012 में यूपीए की जो सरकार थी, यूपीए की जो गवर्नमेंट थी, उसने भी इसके बारे में सोचा था। तो मैंने आपको हिस्ट्री में बताया कि कब कब जो है इसकी बात की गई है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो जुडिशरी है उसका व्यू क्या है, न्यायपालिका क्या सोचती है इस संबंध में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड टू सेटअप ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है, ये डायरेक्शन दिया है इन ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में, ठीक है। तो 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज है उसको सेटअप किया जाए, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना की जाए। 93 में क्या हुआ, 93 कोर्ट अलाउडेड सेंटर टू टेक इनिशिएटिव ऑन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो है सेंटर को कहा कि आप इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और 2017 की जहां तक बात करता हूं, 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है एक सुमोटो कह सकते हैं कॉग्निजेंस लिया गया, सुमोटो मतलब स्वयं से, और ये कह सकते हैं कि जस्टिस जेएस खेर साहब जो हैं उनके द्वारा मोटेट किया गया सेंट्रल सिलेक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए जुडिशियल सर्विसेज के लिए, ऐसा 2017 की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि हमारे जो जुडिशरी है जिसमें एक प्रावधान होता है, उसी प्रावधान के अंतर्गत जो है एक सीनियर एडवोकेट हैं जिनका नाम है अरविंद दतार। तो अरविंद दतार साहब को जो है अपॉइंट किया गया एज ए एमिकस क्यूरे। अब ये एमिकस क्यूरे क्या होता है, एमिकस क्यूरे का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट, कोर्ट का फ्रेंड, मतलब ऐसा जब भी कोई जज जो साहब होते हैं, जस्टिस होते हैं, वो किसी विषय पर, किसी मुद्दे पर अगर वो सलाह चाहते हैं, एडवाइस चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है किसी एडवोकेट को इसके लिए अपॉइंट किया जाता है। ये प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट में भी है, और भी कोर्ट्स में भी है, जिसमें कि कोई भी एडवोकेट है वो जिसको उचित समझते हैं वो एडवाइस देता है, फ्रेंड ऑफ कोर्ट इसीलिए कहा जाता है। तो सीनियर एडवोकेट जो अरविंद दतार साहब थे, इन्होंने रिकमेंडेशन दी, इन्होंने सिफारिशें दी कि इसके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए इंस्टेड ऑफ सेपरेट स्टेट एग्जामिनेशन जुडिशियल सर्विसेज के। तो एक परीक्षा अगर की जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बात बता दी कि जुडिशियल सर्विसेज के लिए जुडिशरी का क्या व्यू रहा है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमिशन है, संवैधानिक परिप्रेक्ष्य है, उसमें क्या प्रावधान है। तो आर्टिकल 312 जिसको हम 312 कहते हैं, 312 में ये प्रावधान है अखिल भारतीय सेवा का या ऑल इंडिया सर्विसेज का प्रावधान है। इसमें लिखा क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें ये लिखा है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स बाय रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग इट इज नेसेसरी, राइट। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसमें राज्यसभा जो है, राज्यसभा
दो तिहाई बहुमत से, 2/3 मेजोरिटी के साथ में, राइट, एक ऐसा रेजोल्यूशन जो है पास होना चाहिए राज्यसभा में जो कि 2/3 बहुमत के साथ जो है पास हो, और साथ ही साथ जो है प्रेजेंट इन वोटिंग मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साथ। तो ऐसी स्थिति में, और वो नेशनल इंटरेस्ट में होना चाहिए, राष्ट्रीय हित में होना चाहिए, तो इस तरीके से जो है ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट किया जा सकता है। मतलब पार्लियामेंट जो है, जो अखिल भारतीय सेवा या ऑल इंडिया सर्विसेज को जो क्रिएट करेगी, वो उसमें एक और चीज़ है, वो क्रिएशन ऑफ वन, ठीक है, एक ऑल इंडिया सर्विसेज और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज, और भी अखिल भारतीय सेवाओं का क्रिएशन किया जा सकता है। मैं आपको बताता चलूँ कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का जो ये इंक्लूडिंग उसमें जो जोड़ा गया, इंक्लूडिंग एंड ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज या सर्विस, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़ा गया, कॉमन टू द यूनियन एंड द स्टेट्स। देखिए ये जो पॉइंट है ये आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल 312 जो है क्लॉज 2, इसमें क्या कहा गया है, आईएएस और आईपीएस क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट एट द कमिशमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें 312 क्लॉज 2 में क्या कहा गया है, आईएएस और आईपीएस के बारे में कहा गया है। 312 क्लॉज 3 में क्या कहा गया है, द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, ठीक है, ये बताया गया है, द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज रेफर टू इन क्लॉज 1 शैल नॉट इंक्लूड एनी पोस्ट इनफीरियर टू दैट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज एज डिफाइंड इन आर्टिकल 236, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, इसको आप फिर से समझिए। इसमें ये कहा गया है कि इनफीरियर टू दैट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, इसमें उन चीजों को शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है, जो जिला न्यायाधीश हैं उनसे नीचे की पोस्ट, जो जिला न्यायाधीश हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उससे नीचे की जो जजेस होते हैं उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। क्या समझ में आया, आगे आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा इसमें कि क्या चीज उसमें टेक्निकल है, इस आर्टिकल को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 312 क्लॉज 4 में क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि नो सच लॉ शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। क्या मतलब हुआ इसका, दिस मीन्स नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल बी रिक्वायर्ड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज और सर्विस। तो यहां ये कहना चाहता हूं कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के लिए संविधान संशोधन की तरह इसको जो है जब बनाया जाएगा तो उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो अखिल भारतीय जो न्यायिक सेवाएं हैं, राइट, अखिल भारतीय जो न्यायिक सेवा की जो स्थापना की बात चल रही है उसमें एक एफिशिएंट जुडिशरी की हम बात करते हैं कि मतलब बेनिफिट्स क्या हैं इसके, ठीक है, क्या उसके जो है फायदे हैं ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के, हम क्यों इसके बारे में विचार कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके जो लाभ हैं या बेनिफिट हैं इसके पक्ष में जो हम बात कर सकते हैं वो है एफिशिएंट जुडिशरी, राइट, एक कुशल जो है न्यायपालिका जो है हमें मिलेगी, एक कुशल जो न्यायाधीश हैं जज हैं वो हमें मिलेंगे इसके द्वारा। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में स्टेट सर्विसेज के एग्जामिनेशन होते हैं और उनके द्वारा जजेस को अपॉइंट किया जाता है, अभी का जो प्रोसेस है उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है स्टेट्स में वेरिएशंस हैं, मतलब डिफरेंसेस हैं। तो ऐसी स्थिति में ये एक एफिशिएंट सबॉर्डिनेट जुडिशरी जो है उसके जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, राइट, स्ट्रक्चरल इश्यूज़ क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, राइट, तो जो संरचनात्मक जो है जो बुनियादी चीज़ें हैं, राइट, मैं ऐसे कहूँगा वो एड्रेस करेगा और एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर सभी को लाया जाएगा, एक कह सकते हैं कि फास्टर जजेस का अपॉइंटमेंट होगा, उनका स्टैंडर्ड ट्रेनिंग होगा एक साथ में। तो ये एफिशिएंट जुडिशरी की तरफ जो है एक कुशल न्यायपालिका की तरफ जो है हम लोग बढ़ेंगे, एक तो पहला फायदा तो ये हो गया। सेकेंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात इसमें मैं करना चाहूँगा
कि अगर हमारा जो ये रिफॉर्म्स हैं जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं ऑलरेडी जुडिशियल सर्विसेज के क्रिएट होने के बाद, हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा जो रैंक है वो निश्चित रूप से जो है इम्प्रूव होगा, उसको उसका फायदा हमको मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में जो तीसरा जो फायदा है, तीसरा जो एडवांटेज है वो पॉपुलेशन रेशियो को लेके है, जनसंख्या का जो अनुपात है उसको लेके है। क्या अनुपात की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो जजेस जो न्यायाधीश हैं, जो जज हैं उनके और जनसंख्या में क्या अनुपात है भारत में, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10 लाख पॉपुलेशन पे भारत में लगभग जो है 20 जजेस हैं इस समय, और लॉ कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार जो है ये 50 जजेस होने चाहिए पर मिलियन पॉपुलेशन पे, लेकिन अभी ये जो संख्या है ये करीब 20 जजेस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 लाख पॉपुलेशन पे और 50 का रिकमेंडेशन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें निश्चित रूप से जो है सुधार होगा इस ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के आने के बाद। यूएसए में अगर आप देखेंगे तो यूएसए में जो जनसंख्या अनुपात पॉपुलेशन जो रेशियो के हिसाब से जो जजेस हैं वहाँ वहाँ 107 जजेस हैं फॉर मिलियन पर मिलियन पॉपुलेशन में, और अगर हम यूके की बात करते हैं तो 51 जजेस हैं फॉर पर मिलियन पॉपुलेशन के लिए। अगला क्या फ़ायदा होगा, मैं सोशल इंक्लूजन की बात करूँगा। जैसे कि आप देखेंगे कि हमारे न्यायालय में जुडिशरी में अभी जो वुमेन्स की संख्या है वो काफ़ी कम है, तो एक सोशल इंक्लूजन का पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको एक पॉजिटिव डायमेंशन में देख रहे हैं कि इससे जो समाज के जो वीकर सेक्शन हैं, डिप्राइव्ड सेक्शन हैं, उनको इसमें एक पार्टिसिपेशन मिलेगा। जो कह सकते हैं एससी हैं, एसटी हैं, वुमेन्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उनका पार्टिसिपेशन भी इसमें बढ़ेगा, सोशल इंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें। अगला फायदा क्या होगा, देखिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आईएएस और जो आईपीएस हैं ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज में लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं हैं, मतलब उतना अट्रैक्शन नहीं है जितना कि आज सिविल सर्विसेज में है, आईएएस और आईपीएस में है। तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण यही है कि ये जो सर्विस है ये ऑल इंडिया लेवल की नहीं है, और ऑल इंडिया लेवल की जो सर्विस होने के बाद जो है लोगों का जो यूथ है हमारा उसका अट्रैक्शन मिलेगा, मीन्स ये जो टैलेंट पूल है उसको अट्रैक्ट करेगा निश्चित रूप से जो है, और वो हायर जुडिशरी का फिर पार्ट बन सकते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगली मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि एक एड्रेस जो है कह सकते हैं कि जो जुडिशरी में करप्शन का जो इशू है या फिर नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भी ये एड्रेस करेगा, ये इसका फायदा है। और ये जो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि जो पेंडेंसी केसेस की जो चल रही है, लगभग आप देखेंगे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनमें लगभग 4 करोड़ जो केसेस हैं इस समय पेंडेंसी है उनकी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के आने के बाद जो शॉर्टेज ऑफ जजेस हैं, आप देखेंगे कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनमें करीब मोर देन 22,000 जजेस होने चाहिए, अभी इस समय जो वैकेंसी है लगभग 5,000 वैकेंसी अभी चल रही है, तो एक महत्वपूर्ण बात है और इससे निश्चित रूप से जो है इसको फायदा मिलेगा। अब मैं आपके सामने एक चीज़ ये डिस्कस करना चाहूँगा कि इतने सारे फायदे हैं लेकिन फिर क्या मुद्दा मुद्दा क्या है, मतलब कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं कहाँ पे हैं, मीन्स व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज और सर्विस। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की बात चल रही है उसमें डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा है, मतभेद हैं जिनको हम कह सकते हैं। सबसे पहले मैं स्टेट की बात करूंगा, राज्यों की बात करूंगा, तो स्टेट्स आर नॉट ऑन सेम पेज, एक ही मत नहीं है उनका, उनका मत अलग अलग है, सम एग्री एंड सम डिसएग्री, कुछ सहमत हैं कुछ सहमत नहीं हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हरियाणा और मिजोरम दो ऐसे स्टेट हैं जो इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हैं कि इन फेवर ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। अगर हम कुछ और स्टेट्स की बात करें, जैसे कि 8 स्टेट ऐसे हैं नॉट इन फेवर जिन्होंने अपोज किया है, जिसमें
अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटका है और मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मेघालय है और नागालैंड और पंजाब है। ये 8 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी जुडिशियल सर्विस को अपोज किया है या उसका विरोध किया है। 5 स्टेट ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि जो प्रपोजल है उस प्रपोजल में चेंजेस लाए जाएं, परिवर्तन किया जाए। 13 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अब तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है और अवेटेड है मैटर कि कब उनका रिस्पॉन्स आता है। तो स्टेट्स में क्या डिफरेंसेस हैं, उनका मत क्या है, ये मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ मैं हाई कोर्ट्स के बारे में अगर आपको बताना चाहूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जैसे कि 25 हाई कोर्ट्स हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं, जिसमें 2 हाई कोर्ट जो हैं वो आपके फेवर में हैं ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के लिए। एक त्रिपुरा है और दूसरा जो है हाई कोर्ट सिक्किम है। और ये जो है प्रपोजल जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का है, इसके समर्थन में जैसे कि मैंने आपको बताया 13 हाई कोर्ट्स नॉट इन फेवर, 13 हाई कोर्ट ऐसे हैं, उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो कि इसके समर्थन में नहीं हैं। और जो 6 हाई कोर्ट हैं, 6 हाई कोर्ट्स उच्च न्यायालय हैं, वांट चेंजेस इन द प्रपोजल, उसके प्रपोजल में वो चेंजेस चाहते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये कुछ इश्यूज हैं जो ऑलरेडी सर्विसेज से, जुडिशियल सर्विस से रिलेटेड हैं। और एक मुद्दा है वो ये है कि आप देखेंगे कि अभी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, ये हाई कोर्ट्स कंसर्न जो स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है उसके अंडर में, उसके दायरे में आते हैं। तो ये सब आने के बाद आप देखेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स हैं हाई कोर्ट्स का वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो ये एक सबसे खास इम्पॉर्टेंट बात है कि ये भी कहीं ना कहीं जो है कंसर्न है। और अगली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्शन हैं जो अगेंस्ट में, जो इसको विरोध कर रहे हैं, वो हाईलाइट कर रहे हैं, कुछ स्टेट्स लैंग्वेज को लेके हाईलाइट कर रहे हैं, भाषा को लेके जो है मुद्दा सामने है, भाषा संबंधी जो समस्या है, ये लैंग्वेज संबंधित जो रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो ये कहना चाहते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज एंड लॉज, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि बिकॉज जुडिशियल बिजनेस इज कंडक्टेड इन रीजनल लैंग्वेजेस विच कुड बी अफेक्टेड बाई सेंट्रल रिक्रूटमेंट। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कोर्ट्स में काम होता है, जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में काम होता है, वो स्थानीय भाषा जो है उसमें होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर सेंट्रल रिक्रूटमेंट से अगर जजेस आएंगे तो एक समस्या खड़ी होगी, क्योंकि जजमेंट सुनाने के लिए एक काफ़ी आपको लैंग्वेज पे उसका पकड़ होना चाहिए। और ये एक जो प्रॉब्लम्स है ये रेज किया हुआ है, क्योंकि इसके लिए थोड़ा समय लगता है, टाइम लगता है किसी भी लैंग्वेज सीखने के लिए। और निश्चित रूप से जो भाषा संबंधी जो परेशानी है, इसको स्टेट्स कंसर्न हैं, कंसर्न कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं इस मुद्दे को। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, अरुणाचल प्रदेश का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करेंगे तो वहाँ फैक्ट ये है कि अरुणाचल प्रदेश एक ट्राइबल स्टेट है। वहाँ का जो कह सकते हैं कि जो ट्राइबल कस्टम्स हैं, उनके उनका जो जजमेंट का जो तरीका है, उनके पैटर्न हैं, ये कहीं ना कहीं जो है कह सकते हैं द प्रपोजिशन ऑफ हैविंग अ कॉमन जुडिशियल सर्विसेज वुड नॉट बी द राइट प्रपोजिशन एंड वुड क्रिएट इनस्टेबिलिटी इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो कहीं ना कहीं ये जो है लोग सरकार रहे हैं या फिर राज्य इसलिए विरोध कर रहे हैं कि भाषा संबंधी बहुत बड़ी समस्या जो है आने वाली है, क्योंकि जब ऑल इंडिया एग्जाम होगा तो ऑल इंडिया एग्जाम में उसको कौन सा कैडर मिलेगा और किस कैडर में जाके कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, कह सकते हैं जजमेंट के सामने सबसे बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि भाषा पे पकड़ एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। ये तर्क बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि महत्वपूर्ण नहीं है, और क्योंकि कारण उसका ये है कि आज जो IAS और IPS जो होते हैं, ये डिफरेंट स्टेट्स के अधिकारी होते हैं, और ये जब दूसरे राज्यों में जब अपनी सेवाएं देते हैं, जब उनको दूसरे राज्यों में कैडर मिलता है, तो वो निश्चित रूप से जो है एक अच्छे तरीके से भाषा पे पकड़ बना लेते हैं और अच्छी तरीके से काम करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि इनका जो नेचर है जजमेंट सुनाना एक डिफरेंट बात है, उसमें थोड़ा अच्छी लैंग्वेज पकड़ चाहिए, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग के द्वारा जो है
इसको जो है इस प्रॉब्लम को टैकल किया जा सकता है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कुछ लैंग्वेज के बेसिस पर कैडर बनाए जाएं, राइट, जिनको जो जो भाषाएं आती हैं, जिन पर उनकी पकड़ है, उसी तरीके से प्रश्न पत्र भी सेट होना चाहिए और साथ साथ में उनको उसी प्रकार से कैडर मिलने चाहिए, तो ये एक प्रभावी तरीका हो सकता है यहाँ पे, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। अगली जो बात है वो ये है कि जैसे कि ये बताया गया है कि ये जो स्ट्रक्चरल जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस करेगा, उनको एड्रेस करेगा, सॉरी। तो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज ऐसे हैं जो कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज से ही इसका सॉल्यूशन होगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हर स्टेट का डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, तो एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज से ही ये सॉल्व होगा, ऐसा नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हर स्टेट का अपना एक रिजर्वेशन है, उसका अपना क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनका सिलेक्शन होता है, रिजर्वेशंस होते हैं, और रूरल बैकग्राउंड्स के बच्चे होते हैं, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होते हैं, कास्टिज्म के बेसिस पर रिजर्वेशन होता है। तो मुझे लगता है कि नॉट गुड फॉर लोकल रिजर्वेशन, राइट। और कुछ स्टेट्स तो रिप्रेजेंटेशन को लेके भी मुद्दा उठा रहे हैं कि उनका जो प्रतिनिधित्व है, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है सर्विसेज में, उसमें कम या ज़्यादा अप एंड डाउन्स हो सकते हैं, ये भी एक मुद्दा है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक मुद्दा ये भी उठाया जा रहा है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, जिसे हम सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्सेप्ट कहते हैं, तो पावर ऑफ सेपरेशन कॉन्सेप्ट में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है जो एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशरी जजेस का जो अपॉइंटमेंट है, उन अपॉइंटमेंट में अपना जो कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस जो इसमें कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्टर्ब करेगा, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो दोनों के बीच में क्या और प्रॉब्लम्स हैं और कौन कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में वो है 233, ठीक है, और ये आर्टिकल एक और है जो है 312 या 312। तो दोनों के बीच में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 233 और 312 क्या है, और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इनके बीच में क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो आप संक्षेप में ये समझिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, आज क्या प्रोसीजर क्या है, करंट प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, और ये आर्टिकल्स क्या कहते हैं, फिर कहाँ इनके बीच में टेंशन कहाँ है, तो समझने का हम प्रयास करेंगे। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये पॉइंट प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 233 रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, आर्टिकल 233 अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनसे रिलेटेड ये आर्टिकल है 233। तो 233 में क्या कहा गया है, अपॉइंटमेंट पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन अ स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। तो देखिए ये आर्टिकल 233 ये कहता है कि ये जो है अपॉइंटमेंट गवर्नर साहब करेंगे और ये हाई कोर्ट के परामर्श के बाद करेंगे। देखिए अब ऐसा लिखा हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो अपॉइंटमेंट होंगे, राइट, ये स्टेट के दायरे में, देखिए सीधा सीधा से ये समझ में आ रहा है कि 233 ये इशारा कर रहा है कि ये स्टेट के पास है, ये स्टेट का अधिकार है, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है यहां पे कि जब ये स्टेट का अधिकार 233 में है तो 312 में क्या है। तो 312 में ये है कि यहां ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की बात हो रही है, अखिल भारतीय सेवाओं की बात हो रही है, तो ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल आता है सेंटर के उसमें, या कह सकते हैं सेंटर का जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 312 312 और 233 किसके पास है, ये राज्यों के पास है। तो दोनों के बीच में आप देखिए कि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो डिजाइन किया गया, संविधान ने जो ग्रांट किया है, जो चीजें परमिशन दी है, जो बंटवारा हुआ है पावर्स का,
उसमें कहीं ना कहीं जो है अगर इस प्रकार की सेवाएं आती हैं, इस प्रकार की सर्विस आती है, तो ये डाइल्यूशन ऑफ स्टेट पावर होगा। आपको समझ में आया कि एक जो 233 है वो स्टेट कंट्रोल में है, स्टेट को शक्ति देता है। 312 आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज के द्वारा केंद्र को शक्ति देता है, राइट। और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस आएगा तो ये क्या होगा, ये 233 का क्या होगा, इंक्रोचमेंट होगा। इंक्रोचमेंट कह सकते हैं क्या, एक उल्लंघन होगा। तो ये कहीं ना कहीं डाइल्यूशन ऑफ स्टेट पावर है, ये इंक्रोचमेंट स्टेट पावर है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो इस प्रकार से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है डिजाइन किया गया है, और हमारा जो फेडरलिज्म, जो संघवाद है, संघवाद के जो फेडरलिज्म का जो प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट होगा। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं राज्यों की जो शक्तियां हैं उनको क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याओं के कारण जो है मतभेद है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आगे की राह क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से जो है ये जजेस का जो अपॉइंटमेंट जो है कैसे होगा, आगे क्या होगा। तो यहाँ पे आगे की राह ये है कि जिस प्रकार से पेंडेंसी इस समय बढ़ रही है जजेस की, चाहे वो कह सकते हैं कि जो वैकेंसी है, पेंडेंसी नहीं, पेंडेंसी तो है ही साथ में, जो केसेस बढ़ रहे हैं, मुकदमे बढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सबोर्डिनेट कोर्ट हो, या जो वैकेंसी है, शॉर्टेज ऑफ जजेस है, राइट। अब जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि लगभग 22,000, 22,500 के आसपास सबोर्डिनेट कोर्ट्स में जो पोस्ट हैं, 22,444, और इस समय जो वैकेंसियाँ हैं वो 5,200 कह सकते हैं 23 वैकेंसी हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये रिक्तियाँ बनी हुई हैं। और हाई कोर्ट में देखेंगे तो हाई कोर्ट में लगभग जो पोस्ट हैं हाई कोर्ट में जजेस का, वो 1,079 है, और इस समय जो वैकेंसी है वो मोर देन 427 है, मतलब कह सकते हैं कि 400 से ऊपर वैकेंसी है इस समय। तो जो शॉर्टेज ऑफ जजेस है, हमारा जो कह सकते हैं जस्टिस सिस्टम है वो स्पीडी करना है, और टैलेंट पूल को लाना है, एफिशिएंट जज लाने हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रयास जो है काफ़ी अच्छा प्रयास है, जहाँ तक कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज बेस का जो मुद्दा है, जो जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताए इनका सबका सॉल्यूशन है कि जो लैंग्वेज के बेसिस पे, उनको लैंग्वेज के बेसिस पे कैडर दिए जाएं, ये समस्या का समाधान है। लैंग्वेज बेस कैडर होना चाहिए। और साथ साथ में जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज है ये कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है, ये कोई कह सकते हैं पैनिशिया नहीं है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जो है वो एक पैनिशिया हो, ऐसा नहीं है कि इसके द्वारा ही मुद्दों को सुलझाया जा सकता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज है, ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को ही के माध्यम से हम जब इसका लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क लेके आएंगे, तो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क लाने से पहले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और जितने भी स्टेट्स हैं, उन सब से इस मुद्दे पे वार्ता की जाए, उनसे बातचीत की जाए, ताकि एक कह सकते हैं एक जुडिशियल रिफॉर्म्स की तरफ हम आगे बढ़ें, और जो हम उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं उन उद्देश्यों को हम जल्दी से प्राप्त करें। और थैंक यू, धन्यवाद।